उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों व अवैध गतिविधियों के विरुद्ध ऑपरेशन के तहत मुखबिर की सूचना पर एक घर में जुआ खेलते हुए लगभग 17 जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 3 थानों की संयुक्त कार्रवाई के बारे में पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस की संयुक्त टीम को जुआ खेल रहे 17 जुआरियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। जुआरियों के पास से 7,52,000 रुपए, ताश के पत्ते, 15 मोबाइल और 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम में SSI प्रदीप मिश्रा, अनिल जोशी, SI नवीन बुद्धानी, कौशल भाकुनी, मनोहर चंद, होशियार सिंह, संतोष देवरानी, मनोज जोशी, कंचन पडलिया, कपिल कंपोज, सुनील सुतेड़ी के साथ पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जब वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि हाँ ये सही सूचना है और पुष्पक विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति है कौशलेंद्र यादव, जो कि पहले से भी HS है, गैंगस्टर रहा है और उस पर लगभग 17-18 मुकदमे हैं। उसी के मकान में वह संरक्षण दे करके और इनको जुआ खिला रहा है और मोटा लाभ कमा रहा है। तब हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड करी। रेड करने में हमें वहाँ पे मौके पे 17 लोग मिले, जिनके पास से जो कि 11 मोटरसाइकिलों से आए थे और 7,52,000 रुपया कैश, लगभग 8-10 के करीब में ताश की गड्डियाँ और 15 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए। यह सभी है, इसमें जो कई ऐसे हैं जो कि पेशेवर किस्म के जुआरी है और कुल ये हमारे द्वारा 17 लोगों को पकड़ा गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।